दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। और 30 जून को होने वाली आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, प्रवर्तन विभाग के प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज मैं उत्तराखंड की फिर 18 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं। देखिए, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं आपके मुकुंदी लाल जी। इम्पोर्टेंट है, ये अलग अलग नाम है, ये नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन मुकुंदी लाल उत्तराखंड के उत्तराखंड हिस्ट्री में काफ़ी फेमस नाम है मुकुंदी लाल। तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक हैं मुकुंदी लाल, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली जी का केस भी लड़ा था पेशावर कांड में, ठीक है। दूसरा है, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी पूछा जाता है, तो नारद कुंड से निकाली थी। बद्रिकाश्रम में स्थापित बद्री भगवान की मूर्ति नारद कुंड में गोरखाओं के द्वारा फेंकी गई थी वो मूर्ति, तो उन्होंने वहाँ से निकाली थी नारद कुंड से। उसके बाद तीसरा है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है पूछा जाता है। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत इसके रचयिता हैं दोस्तों चंद्र कुमार बर्तवाल जी। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था। दोस्तों गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था आपका 1515 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलेंगे आप। देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 80% इंपॉर्टेंट, 90% इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, तो इन क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूछे जाते हैं बार बार ये क्वेश्चन। पांचवा है, उत्तराखंड का प्रथम जिला जो पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बना है। देखिए दोस्तों, कौन सा जिला बना है शौच मुक्त, तो पांचवें का सही आंसर है आपका ए, नैनीताल। नैनीताल जिला है जो प्रथम रूप से खुले में शौच मुक्त बना है। उसके बाद छठवां है, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, फतेह शाह। और फतेह शाह वे राजा हैं जिन्होंने गुरुराम राय को दो तीन गांव इन्होंने दान दिए थे फतेह शाह ने गुरुराम राय जी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं एक आभूषण से तिलहरी कहती हैं कहाँ पहनती हैं। सातवां क्वेश्चन है, तो तिलहरी दोस्तों पहना जाता है गले में। इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने पहले बताया था कि आभूषणों पर जरूर आप पढ़ लीजिए, आभूषणों को आभूषण एग्जाम में पूछे ही जाते रहे हैं। तो महिलाएं एक आभूषण से तिलहरी कहती हैं कहाँ पहनी जाती है उन द्वारा, गले में। उसके बाद हमारे पास आठवां क्वेश्चन है, बाघ व गरुड़ पहाड़ी बकरी किसकी चित्रकारी है। देखिए ये चित्रकारी है मौला राम जी की, और आप सभी को पता होगा कि मौला राम उत्तराखंड के इतिहास में फेमस पेंटर रहे हैं, ठीक है। मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। मौला राम का चित्र संग्रहालय आपका सिन्नर गढ़वाल में स्थित है। आप मुझे मौला राम के दो या तीन कृतियों के नाम बताएंगे। उसके बाद हमारे पास नौवां है, बेड़ू पाखो एवं बारहमासा गीत की धुन किसने बनाई थी। देखिए दोस्तों, बेड़ू पाखो बारहमासा कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो इसकी धुन जो बनाई थी स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे, स्किप ना करें वीडियो को। उसके बाद दसवां है, फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था। देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था ये 2011 में। आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है, और उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था ये बताएंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप मुझे। उसके बाद ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनजाति भूत प्रेतों की पूजा में विश्वास करती है। देखिए जो कौन सी जनजाति है, जौनसारी जनजाति जो है भूत प्रेतों की पूजा में विश्वास रखती है, और जौनसारी जो है जौनसार में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके फेमस देवता मासु देवता है भगवान शिव। उसके बाद बारहवां है, द्रोण गुफा किस जनपद में है। देखिए दोस्तों, याद करते हुए चलेंगे, द्रोण गुफा कहाँ है आपकी, द्रोण गुफा है दोस्तों देहरादून में। पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में, द्रोण गुफा देहरादून में है। उसके बाद हमारे पास आज की वीडियो का 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनजाति कि तिब्बती और मुंडा भाषा है। देखिए मुंडा तिब्बती की जनजाति की भाषा है ये पूछा गया आपसे, तो ये किसकी भाषा है दोस्तों, तो ये राजी वन रावत, राजी जनजाति को वन रावत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, ये जंगलों में निवास करते हैं लेकिन वर्तमान में अब झुग्गी झोपड़ियों में बना के रहने लगे हैं। उसके बाद चौदहवां है, मासु देवता जिन्हें महाशिव के रूप में पूजा जाता है किस जनजाति के देवता। देखिए अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, तो ये मासु देवता है जौनसारियों के देवता हैं, ठीक है। उसके बाद पंद्रहवां है, श्याणा नामक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो श्याणा संस्था होती है दोस्तों, वो पाई जाती है आपकी जौनसारियों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उसके बाद आज की वीडियो का 16वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भवन निर्माण और चित्रकला में उत्कृष्ट मानी जाती है। थोड़ा छोटा कर लेते इसको, देखिए कौन सी जनजाति भवन निर्माण और चित्रकला में उत्कृष्ट मानी जाती है। 16वें का सही आंसर है मित्रों बी, थारू जनजाति, और थारू अधिक निवास करते हैं उधम सिंह नगर में। उसके बाद 17वां है, परिमार्जन नेगी किस खेल के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। देखिए पूछा जाता है परिमार्जन नेगी के बारे में भी, तो ये हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी, उत्तराखंड के फेमस खिलाड़ी हैं शतरंज के परिमार्जन नेगी जी। उसके बाद 18 मधुमिता बिष्ट किस खेल की प्रख्यात खिलाड़ी हैं। देखिए मधुमिता बिष्ट किस खेल की हैं दोस्तों, तो ये किसकी हैं, बैडमिंटन की है मधुमिता बिष्ट, ठीक है। तो ये थी आज के उत्तराखंड की वीडियो 18 क्वेश्चन की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।